हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ आर्टिका के पास में। और अभी मैं यहाँ पर घूम ही रहा था, तभी मेरे पास में आर्टिका का कॉल आया था और उसने बोला था कोई अर्जेंट वर्क है। तो चलो गाइस, अभी गाड़ी तो है नहीं, अभी हम लोग रस्ते से ही चलेंगे। लेकिन ये क्या हो गया यार, अभी तो मैं इस पेड़ की वजह से नीचे गिर गया। और गाइस, अभी मुझे जाना है गोडल्क वाली गुफा में। और फाइनली फ्रेंड्स, ये देखो, अभी तो मैं पहुँच चुका हूँ गोडल्क वाली गुफा में और मुझे आर्टिका भी मिल गई। जल्दी से उस वाले सर्कल में जाओ जो वहाँ पर बन रहा है। अच्छा, ये वाला सर्कल अभी जाता हूँ, लेकिन इस सर्कल में जाने से क्या होगा? तेरी गाइस, यहाँ पर तो गुंडे आ गए, लेकिन ये तो हमारे ऊपर फायरिंग भी कर रहे हैं। अरे नौफिरो, इन्हीं गुंडों की तो बैंड बजानी है। अच्छा तो गाइस, इसने मुझे यहाँ पर इन गुंडों की धुलाई करने के लिए बुलाया। चलो कोई बात नहीं, अभी फटाफट से मैं इनकी धुलाई करता हूँ। वैसे यार, अभी मेरे पास में कोई हथियार तो है नहीं, तो आप लोग एक काम करो, फटाफट से आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरी पावर डबल हो जाए। हाँ तो गाइस, अभी आप लोग फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और ये देखो, आर्टिका की पावर तो बढ़ने लगी। अरे वायर, देखो ये गुंडा तो मेरी एक लात में ढेर हो गया और इसके पास से तो मुझे बहुत सारे पैसे मिले। लेकिन गाइस, ये देखो, यहाँ पर तो एक और सर्कल बन रहा है और अभी मैं इस सर्कल में आ गया। अरे वायर, अभी तो मेरे वेपन्स भी अनलॉक हो गए और मैंने अभी आरपीजी बाय कर लिया है। तो गाइस, अभी मैंने इधर वाले सारे गुंडों को ब्लास्ट कर दिया, लेकिन ये क्या, ये गुंडे तो आर्टिका को परेशान कर रहे हैं। ओ भाई गाइस, देखो इसके पास में तो तलवार है। ओ तेरी, ये क्या कर दिया मैंने, आर्टिका को किक मार दी। तो चलो अभी इस गुंडे को भी ब्लास्ट करता हूँ। तो गाइस, फाइनली मैंने सभी गुंडों को निपटा दिया है। लेकिन गाइस, अभी तो यहाँ से आर्टिका भी गायब हो गई। अभी मैं एक काम करता हूँ, इन सभी के पैसे उठा के यहाँ से फुर हो लेता हूँ। गाइस, अभी मैं सारे पैसे लेके बाहर आ गया, लेकिन ये क्या, मुझे टिप्सन दादा के घर पे तो जाना है। अभी एक काम करता हूँ, इस रोबोट कार के ऊपर ही खड़ा हो जाता हूँ। और ये देखो गाइस, अभी मैं इसके ऊपर खड़ा हो गया और अभी ये मेरे को फ्री में टिप्सन के घर छोड़ेगा। अरे यार, लेकिन इस रोबोट कार को आखिर क्या हो गया, ये तो चलने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे लगता है इसे पता लग गया कि मैं इसके ऊपर फ्री में सवारी करना चाह रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं यार, मेरे पास एक आइडिया है, तब ये चलेगी। तो गाइस, अभी मैं इधर की तरफ आ चुका हूँ और अभी मैं छुपकर इस पर नजर रखूंगा। और ये रोबोट कार जैसे ही चलेगी, मैं जाकर इसके ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। अरे यार, लेकिन पता नहीं ये रोबोट कार कब चलेगी। देखो, ये तो हिलने का भी नाम नहीं ले रही और पीछे पुलिस की कार्स भी खड़ी है। तो गाइस, अभी मेरे दिमाग में एक और आइडिया है, अभी मैं इस ग्रे विगन की मदद से कुछ करता हूँ। अरे यार, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने तो पुलिस की कार को फेंक दिया, अभी इस पुलिस वाले को भी उड़ाना होगा। अभी सारे पुलिस वाले हट गए, मुझे लगता है ये रोबोट कार खराब है। ओ तेरी, ये क्या, ये तो रोबोट बन गई। अरे रोफिरो, मैं तेरा ये इंतजार कर रहा था, कब तू मेरे अंदर बैठने को आए और मैं तेरी बैंड बजाऊं। गाइस, ये रोबोट कार तो काफी ज्यादा चालाक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा बुद्धू बनाता हूँ। तो गाइस, अभी मैं रोबोट कार के ऊपर अपनी फ्रीजर गन का यूज कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अरे वाह गाइस, देखो मेरी फ्रीजर गन तो इसके ऊपर काम कर गई, एक लात मार के देखता हूँ। लेकिन गाइस, इससे तो इसके ऊपर कोई बेसर नहीं हो रहा। अरे रुक जा रोफिरो, तेरे को लात में मार के दिखाता हूँ, तेरे को लात मारने भी नहीं आती। अरे यार, अभी तो एक ही आइडिया है, अभी एक काम करता हूँ, इस फ्रीजर गन को दोबारा से ट्राई करता हूँ। और गाइस, ये देखो, अभी तो मैंने फ्रीजर गन से इन सभी को जमा दिया है। अरे वाह गाइस, कमाल हो गया, देखो मेरे को मेरी फेवरेट गन मिल गई। दरअसल मैंने आज डेंजरस विलन की गन को चोरी कर लिया। अभी देखो यार, मैं विलन की गन से इन सबकी कैसे बैंड बजाता हूँ। लेकिन ये क्या यार, ये विलन की गन तो काम ही नहीं कर रही। गाइस, आपको पता है क्या ये गन कैसे चलती है? अगर पता है तो यार जल्दी से कमेंट कर। नहीं गाइस, देखो अभी तो मेरी गन चलने लग गई। अभी बताता हूँ इस रोबोट के बच्चे को, अभी देखता हूँ कि ये मेरे हाथों से कैसे बचेगा। अरे रोफिरो, छोड़ दे यार, ये कौन सी गन ले आया यार, ये तो काफी खतरनाक है। अरे वाह गाइस, देखो अभी तो ये जगह से भी नहीं हिल पा रहा, मेरे को सवारी नहीं करने दे रहा था ना। बोल बच्चों, कैसा लग रहा है मेरे गन से मार खाकर? अरे गाइस, इस रोबोट को मारते मारते मैं तो भूल ही गया यार, मुझे टिप्सन दादा के पास में जाना है। ये देखो यार, अभी तो ये रोबोट गायब भी हो चुका है। तो चलो अभी मैं फटाफट से टिप्सन दादा के पास में चलता हूँ। लेकिन एक मिनट गाइस, ये रेड लाइट यहाँ पर कैसे जल रही है? ये तो वहाँ पर जलती है जहाँ विलन होता है। चलो एक बार चलकर देखता हूँ यार। अरे देखो, मुझे तो लग रहा है कि वहाँ पर विलन खड़ा है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है यार? ये इन पुलिस वालों से कुछ तो बात कर रहा है। अरे मेरी इतनी खतरनाक गन चोरी हो गई और तुम लोगों को कुछ पता भी नहीं है। अरे यार, इसको तो गन चोरी के बारे में पता लग गया। अभी एक काम करता हूँ, इस गन का इसी पे यूज करके देखता हूँ। अरे लेकिन ये क्या हो रहा है यार, ये गन तो इस पे काम ही नहीं कर रही। अरे लेकिन ये क्या यार, ये विलन का बच्चा कहाँ पर गायब हो गया? अभी तो यहीं पर था। यार ये विलन का बच्चा एकदम से कहाँ गायब हो गया? लेकिन मेरे को यहाँ से निकल लेना चाहिए, अगर मैं इसके हाथ आया तो गड़बड़ हो जाएगी। चल बेटा रोफिरो, भी यहाँ से तुम दबा के भाग ले, वरना आज तेरी काफी धुलाई होगी। अरे तो चलो यार, अभी मैं जल्दी से इस गन को चलकर टिप्सन को दिखाता हूँ, टिप्सन तो डर जाएगा इसे देखकर। फाइनली गाइस, ये देखो, अभी तो मैं टिप्सन के घर पहुँच गया और ये टिप्सन यहाँ पर खड़ा है। हेलो टिप्सन, कैसा है तू? अरे छोटे, मैं तो बढ़िया, लेकिन ये गन तो विलन की है ना, ये तेरे पास कहाँ से आई? अरे बस टिप्सन यार, मैंने उसकी गन को चोरी कर लिया। अरे रोफिरो, पागल हो गया क्या यार, तू जानता नहीं है क्या वो कितना खतरनाक है? अरे यार टिप्सन दादा, वो विलन का बच्चा मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। अरे यार रोफिरो ने मुझे यहाँ पर बुला लिया, लेकिन दूर दूर तक रोफिरो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये सीक्रेट मैप मैं किसको दूँ? किसी को ये मैप दे भी
तो नहीं सकता ना, क्योंकि इसमें सीक्रेट वेपन्स की लोकेशन है। अरे मेरे पास एक आईडिया, एक काम करता हूँ, रोफिरो को फोन लगाता हूँ। हेलो रोफिरो, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हारा सीक्रेट मैप लेके आया हूँ। अरे वीर द रोबोट बॉय, यार मैं तो भूल ही गया था, मैं तो टिप्सन के पास खड़ा हूँ अभी। अरे लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम एक काम करो, मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, मैं अभी 2 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। अच्छा ठीक है रोफिरो, मैं तुमको अपनी लोकेशन अभी सेंड करता हूँ, लेकिन जल्दी आना यार, मुझे दूसरे काम से भी जाना है। अरे हाँ वीर द रोबोट बॉय, टेंशन मत लो, मैं बस वहीं पर पहुँच जाऊंगा। अरे यार टिप्सन दादा, मैं तो भूल ही गया था यार, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, अभी मुझे जाना होगा। और आप यहीं पर रहना, मैं वीर द रोबोट बॉय को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। दरअसल वो एक सीक्रेट मैप ला रहा है जिसमें एक सीक्रेट गन्स की लोकेशन है। तो चलो गाइस, अभी मुझे जल्द से जल्द लॉस सेंटोस जाना होगा। अरे यार जब तक रोफिरो आता है तब तक एक काम करता हूँ, थोड़ा घूम लेता हूँ। अरे वो देखो वीर द रोबोट बॉय मुझे मिल गया, और अभी मैं रोफिरो से पहले यहाँ पर आ चुका हूँ, अभी मैं इससे वो सीक्रेट मैप ले लूंगा। रोफिरो ने मेरी गन चुराई, उससे लगा मुझे पता नहीं लगेगा, लेकिन मुझे सब पता था, दरअसल मैंने उस गन के अंदर अपना माइक फिट किया था। अरे वीर द रोबोट बॉय चल अभी फटाफट से वो सीक्रेट मैप मुझे दे दे, वरना मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अरे ये तो डेंजरस विलन है, लेकिन इसे कहाँ से पता लग गया उस सीक्रेट मैप के बारे में? मैं तुझे नहीं दूंगा। अरे वीर द रोबोट बॉय, मुझे लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा, तेरी धुलाई करनी पड़ेगी। रुक जा, अभी सबक सिखाता हूँ। अरे नहीं यार देखो, ये तो मेरे से फाइट कर रहा है, लेकिन मेरे को भी इससे फाइट करनी होगी, मैं इसको मैप नहीं दे सकता। अरे बच्चों तू मैप नहीं देगा तो क्या हो गया, मैं तेरे से छीन लूंगा, अभी रोफिरो भी यहाँ पर नहीं है। अच्छा तो तू मेरे से मैप छीनेगा, चल आ जा, तूने मेरे को बच्चा समझा है क्या? रुक जा, तेरी अभी धुलाई करता हूँ। ये ले डेंजरस विलन के बच्चे, अभी मेरा घुसा का। अच्छा हुआ जो तू यहाँ पर आ गया, मेरा अच्छा टाइम पास होगा। अरे नहीं यार देखो, ये बच्चा तो मेरी बहुत बुरी धुलाई कर रहा है, लेकिन रुक जाओ, इसको मुझे अपनी पावर के बारे में दिखाना होगा। चल बच्चे अभी तेरा बहुत हो गया, अभी तुझे बताता हूँ अपनी पावर में। अरे तो फिर आना, मैं भी देखता हूँ तेरे में कितनी पावर है, आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा विलन के बच्चे। अरे रुक जा, तू मेरे को बच्चा समझ रहा है ना, ये ले अभी तेरे को बताता हूँ। मेरा नाम डेंजरस विलन है, मैंने अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ाए, तू क्या चीज है? अरे नहीं यार देखो, ये तो मुझे मार रहा है, अभी मैं क्या करूँ यार, मैं तो इससे बच भी नहीं पा रहा। अरे यार वीर ने जो लोकेशन भेजी थी वो लोकेशन तो यही की है, लेकिन वीर का है? ओ तेरी, देखो यहाँ पर तो डेंजरस विलन और वीर फाइट कर रहे हैं। अरे मुझे लगता है विलन को सीक्रेट मैप के बारे में पता लग गया, लेकिन मुझे रोकना होगा इसे। अभी तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अभी मैं इस विलन के बच्चे के ऊपर इस कार को ही चढ़ा देता हूँ। अरे वायर आइडिया तो काम कर गया, देखो विलन नीचे भी गिर गया, लेकिन अभी इसको ऐसे छोड़ा तो ये वापस से उठ के लड़ाई करेगा। रुक जाओ, इसे दोबारा से टक्कर मारता हूँ। अरे वीर तुम एक काम करो, थोड़ा साइड में हो जाओ, अभी मैं इसे टक्कर मारूंगा। ओ तेरी, ये क्या हो गया यार, देखो वीर को भी थोड़ी सी चोट लग गई। लेकिन कोई बात नहीं यार, छोटी मोटी चोट तो होती रहती है, लेकिन इस विलन के बच्चे को अब मैं नहीं उठने दूंगा। ये देखो अभी तो मैंने इसका पूरा कचुम्बर ही बना डाला है। अरे बस करो रोफिरो यार, अभी तो इसकी टांग भी टूट गई, अब ये कुछ भी नहीं कर पाएगा और ये बेहोश भी हो गया है। तो फाइनली गाइस, अभी इस डेंजरस विलन के बच्चे को तो सबक सिखा दिया, और ये देखो यार इसकी तो हमने एक टांग तोड़ दी, अभी ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो सीधा हॉस्पिटल ही जाएगा। हेलो वीर, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं रोफिरो, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आ गए, वरना ये विलन आज मेरे हाथों से खत्म हो जाता। चलो वीर वो सब छोड़ो, अभी हम लोग वाइस टाउन चलते हैं, उस सीक्रेट मैप के अंदर से हमें उन सीक्रेट गन की लोकेशन को भी निकालना है। अरे हाँ रोफिरो चलो, मुझे फिर दूसरे मिशन पे भी जाना है। हाँ यार वीर चले जाना, लेकिन अभी पहले एक काम तो निपटा दो। तो गाइस अभी मैंने वीर को इस विलन से भी बचा लिया, और अभी हम लोग वाइस टाउन जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ यार नीचे रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।